स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी पे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहन और इस वीडियो के लेक्चर में आज मैं आप लोगों से झारखंड राज्य के लोक नृत्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कौन सा जिला है जो छऊ नृत्य का जन्मभूमि माना जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार जिलों के नाम है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा जिले को झारखंड राज्य में छऊ नृत्य का जन्मभूमि माना जाता है। अगला प्रश्न है, झूमर किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्त्री प्रधान। झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, छाऊ किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरुष प्रधान। छाऊ एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में शील की पूजा की जाती है? जतरा नृत्य, नचनी नृत्य, अग्नि नृत्य और झूमर नृत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में शील की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य का विदेश में पहली बार प्रदर्शन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? चार ऑप्शंस हैं, प्रभात कुमार, दुर्गानाथ रॉय, सुधेंद्र नारायण सिंह और नीलेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुधेंद्र नारायण सिंह। छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन पहली बार सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नेटुआ किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरुष प्रधान। नेटुआ एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में कलाकार मुखौटा पहनकर पौराणिक कथाओं पर प्रदर्शन करते हैं? छऊ नृत्य, जदुर नृत्य, कर्मा नृत्य और डोमकच नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के द्वारा मुखौटा पहनकर पौराणिक कथाओं पर प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? चार जनजातियों के नाम है, संथाल, उराव, हो और मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उराव। जतरा नृत्य का प्रदर्शन उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है? जनानी झूमर, कर्मा नृत्य, जदुर नृत्य और छऊ नृत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जदुर नृत्य। जदुर नृत्य को नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पैका नृत्य का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष, स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरुष। पैका नृत्य का प्रदर्शन विशेष रूप से पुरुष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक
शिकार नृत्य है, बा नृत्य, जापी नृत्य, डोमकच नृत्य और झूमर नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा जापी नृत्य, ऑप्शन बी। जापी नृत्य एक शिकार नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वीरता प्रधान नृत्य है? छऊ नृत्य, पैका नृत्य, डाहर नृत्य और डोमकच नृत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैका नृत्य। पैका एक वीरता प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने स्त्री या पुरुष कर्मा नृत्य में शामिल होते हैं? 8, 10, 6 और 12। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। कर्मा नृत्य में कुल स्त्री और पुरुष की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई पर किया जाता है? छऊ नृत्य, पैका नृत्य, झूमर नृत्य और जतरा नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, करिया झूमर किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, पुरुष और स्त्री दोनों प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्त्री प्रधान। करिया झूमर एक प्रकार का स्त्री प्रधान वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य का प्रदर्शन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? सोहराय नृत्य, घोड़ा नृत्य, अग्नि नृत्य और झूमर नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोहराय नृत्य। सोहराय नृत्य का प्रदर्शन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कठोरवा नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? पुरुष की, पुरुष और महिला दोनों की, महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरुष की। कठोरवा पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? झूमर नृत्य, घोड़ा नृत्य, सोहराय नृत्य और जरगा नृत्य। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा नृत्य, ऑप्शन बी। घोड़ा नृत्य में कलाकार के द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है? संथाल, बिरहोर, उराव और मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंडा। मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, घोड़ा नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? विवेक पांडे, दुर्गानाथ रॉय, रमेश सिंह और प्रभात कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुर्गानाथ राय। दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गोंग नृत्य किस जनजाति के बीच में प्रचलित है? खरवार, असुर, खड़िया और हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हो। गोंग नृत्य हो जनजाति के बीच में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य का प्रदर्शन
धान की बुआई के बाद किया जाता है? हैरो नृत्य, घोड़ा नृत्य, सोहराय नृत्य, अग्नि नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैरो नृत्य। धान की बुआई के बाद हैरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हो जनजाति के बीच प्रचलित है? जदुर नृत्य, जतरा नृत्य, मगाह नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मगाह नृत्य। मगाह नृत्य हो जनजाति के बीच में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, डोमकच नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस अवसर पर किया जाता है? जन्म पर, धान की बुआई पर, विवाह पर और धान की कटाई पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विवाह पर। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, लांगड़े किस जनजाति का नृत्य है? संथाल, खड़िया, मुंडा और बिरहोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संथाल। संथाल जनजाति के नृत्य का नाम लांगड़े है। अगला प्रश्न है, दसाई निम्नलिखित में से किस जनजाति का लोक नृत्य है? चार जनजाति के नाम है यहाँ, संथाल, खड़िया, मुंडा और बिरहोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संथाल। दसाई संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, बाह निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? संथाल, खड़िया, हो और बिरहोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हो। हो जनजाति का प्रमुख नृत्य बाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, भादुरिया, कली, जदुर और फगुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कली। कली नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है।